सबका मजाक उड़ाया मैंने भी और सबने मजे लिए। मैं एज एन इंसान काफी बदल गई हूँ। कभी किसी से कोई ऐसे फाइट नहीं हुई और कभी किसी से कोई ऐसे लड़ाई नहीं हुई। नीनो वाज डेफिनेटली द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर। बिग बॉस अभी मैंने कभी सोचा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आया था ऑफर। काफी सारे आर्टिस्ट हैं जिस देसी हिप हॉप के, हमारी इंडस्ट्री के। हाय, दिस इज रश्मीत कौर एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली चस्का। हाय गाइज, वेलकम टू टेली चस्का। एंड आज हमें ट्रू हॉटनेस के साथ में, जो काफ़ी टैलेंटेड है, रश्मीत के साथ। सो रश्मीत, फर्स्टली वेलकम टू टेली चस्का। हाय एवरीवन, हाय रिद्धि, हाय सचिन, हाय। खतरों के खिलाड़ी में नया प्रोमो आया था कल ही, आपने देखा होगा कि आपको गाना गाने बोला गया था। सो उस बारे में बताइए कि वो कितना फनी मोमेंट था आपके लिए। मेरे को 10 गाने, आई थिंक 9 गाने, कितने कंटेस्टेंट बचे थे, 9 या 10, हाँ। उस टाइम पे, और मुझे सबके लिए एक एक गाना डेडिकेट करना था उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए। और मैंने सबके लिए गाया, और अर्चना के लिए भी गाया, ऐश्वर्या, अंजुम, शिजान की चोटी को डेडिकेट किया, डीनो के लिए गाया, तो और सब मज़ा आया। बहुत ही अच्छा एक सीक्वेंस बन गया था वो, पर सबका मजाक उड़ाया मैंने भी और सबने मज़े लिए, क्योंकि यही हम करते हैं ना। वी हैव टू कीप द गेम वेरी फन एंड लाइट। और यही, और जब एक म्यूजिशियन है तो सबसे पहले लोगों को लगता है कि अरे आप गाना गा दो, है ना, तो गाना गा दो, फिर वो गाना गाओ तो फिर मज़ा भी आए। तो इसलिए मज़ा आया वो करने में बहुत ज़्यादा, और रोस्ट करने में मज़ा आता है। ओके, सो यू नो, ऐसी कौन सी चीज़ है खतरों के बाद जो आपकी लाइफ में बदल गई हो, जैसे नेम हो गया, फेम हो गया, या कुछ और? आई थिंक मैं एज एन इंसान काफ़ी बदल गई हूँ। मैं बहुत ब्रेव हो गई हूँ, पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि मैंने वो स्टंट्स किए तो मैं ब्रेव हो गई, स्ट्रांग हो गई, वो तो है ही, दैट इज़ गिवन, दैट यू कैन सी, एवरीबडी कैन सी ऑन टीवी। बट वो स्टंट करने से पहले और उसको करने के बाद जो इंसान की फीलिंग होती है, जो वो स्टंट करने के पहले और स्टंट करने के बाद जो आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, और उसके बाद आपको अपने आप को कैसे हैंडल करना होता है, वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में अब अडेप्ट कर लिया। लाइक आफ्टर दैट फेज ऑफ माय लाइफ ऑफ खतरों के खिलाड़ी, अब मुझे पता है कि मैं कोई भी दिक्कत आएगी तो उसका मैं सामना कर सकती हूँ। और लाइफ के खतरे तो खैर बहुत ही बड़े होते हैं, ये तो वो सच में डरावने होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा डरावने थे, लेकिन लाइफ में आपको खतरों का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वो आपकी करियर से रिलेटेड हो, या प्रोफेशनल लाइफ हो, या पर्सनल लाइफ हो, खतरे चलते ही रहते हैं। ये खैर एडवेंचर हो गया खतरों के खिलाड़ी, बट आई थिंक इसने मुझे मेंटली और फिजिकली, और फिजिकली तो खैर इट्स अ जर्नी दैट यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट, बट मेंटली एंड बहुत मज़ा आया, काफ़ी कुछ गेन किया मैंने जी। ओके, सो बॉन्ड्स की अगर बात करें, किनके साथ सबसे अच्छा बॉन्ड बना, और ऐसा कुछ है कि यू नो इनसे नहीं जम पाई या टास्क के वक्त ऐसा कुछ? मेरी सबसे जमी, एंड वो मेरी एक अच्छी बात थी कि मेरी कभी किसी से कोई ऐसे फाइट नहीं हुई और कभी किसी से कोई ऐसे लड़ाई नहीं हुई क्योंकि सब मेरे को सपोर्ट करते थे, और मैं भी सबको सपोर्ट करती थी, तो वी हैड अ वेरी गुड इक्वेशन, आई हैड अ वेरी गुड इक्वेशन विद एवरीबडी। और उसके अलावा मजाक तो खैर सब सबका ही उड़ाते रहते थे, बट अर्चना मेरी बहुत बार पार्टनर बनी, वो अभी आपको देखने को मिलेगा, और हमारी बहुत ही ऐसे ऊपर नीचे जर्नी रही है मेरी और अर्चना की एज अ पार्टनर, तो देखने में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम कहते कुछ और थे, करते कुछ और थे, बट या आई थिंक दैट्स द मोस्ट फन पार्ट अबाउट इट, दैट यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन, एंड यू ओनली नो वंस यू आर इन द स्टंट, यू नो, तो उससे पहले या उसके बाद आप जो भी बोलो वो आप मतलब बाद में ही बोल सकते हो, पहले तो क्या ही बोलोगे, यही बोलोगे कि हम करेंगे, ठीक है, उसके बाद पता चलता है कि क्या होगा, बट या लाइक इट वॉज वेरी फन बीइंग अराउंड ऑल दीज पीपल, मैंने इनसे बहुत सीखा, सब ने एक दूसरे को बहुत एनकरेज किया, जो बहुत ही अच्छी बात है, जो लोग नहीं करते आजकल, क्योंकि एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, वो आपको इट कीप्स यू गोइंग, तो वो हुआ। और अर्जित, सुंदुस, डीनो, एवरीबडी इज़ बिकम अ फ्रेंड, एंड एवरीबडी इज़ चिलिंग नाउ टुगेदर, इट्स चियर।
सो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन की अगर बात करें वो कौन था, क्योंकि काफ़ी लोगों के मुँह से हमने सुना है डीनो स्ट्रॉन्ग थे, शीजान स्ट्रॉन्ग थे, अकॉर्डिंग टू यू हु वॉज इट? डीनो वॉज डेफिनेटली द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, एंड अपने आप को मैं वो नहीं करूँगी तो वो खैर सबको पता है, बट मेरी टक्कर में मुझे लगा कि डीनो है, और बाकी लोग भी हमेशा अपना 100% देते थे। बस वही है कि हमारी परफॉर्मेंस शुरू से ही स्ट्रॉन्ग रही है और बाकी सब ने टाइम के साथ यू नो ऊपर नीचे हुआ है, और वो हमारे साथ भी हुआ, ऐसा नहीं है हमारे साथ नहीं हुआ, बट वो खैर आप सब देखेंगे। पर डीनो वॉज स्ट्रॉन्ग, सुंदुस वॉज स्ट्रॉन्ग, घाई करती थी बट स्ट्रॉन्ग थी, एंड अर्जित इज स्ट्रॉन्ग। या सो यू नो बाहर काफ़ी सारी बातें चल रही है अर्चना डेजी को लेकर, देन ऑल्सो सुंदुस एंड अर्जित को लेकर। अच्छा, सो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? लाइक अर्चना और डेजी का झगड़ा चालू था सोशल मीडिया पे, एंड अब ये भी कहा जा रहा था कि सुंदुस एंड अर्जित आर डेटिंग, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दीज इक्वेशंस? टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं है ज़्यादा, बट ड्यूरिंग द शो वो सब मसाला, आपको पता है कि टीवी इज़ मोर अबाउट मसाला, सो दैट मसाला दोज इक्वेशंस और उनको फन वे में प्रेजेंट करना, क्रिएटिव टीम्स का आइडिएशन वो सब होता था, बट उसके बाद में क्या चल रहा है मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं अभी अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ, यू नो हाउ life is occupied and difficult, but uske alawa yeah they are very good friends that I know, yeah I don't know about Archana and Daisy how good friends they are, good of a friends, but unka jhagda chalu tha, wo udhar wo to chalta hi rehta tha, udhar kuch kit kit pit pit to udhar kisi na kisi lagi rehti thi, so that is I think also a part of the journey and game, so wo I don't think kisi na kisi ko harsh way mein aisa kuch bola hoga, चलता रहता है, सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट हाइलाइटिंग थिंग्स, यू नो। या सो आप किन प्रोजेक्ट्स के लिए ओपन है टीवी में? लाइक एक रियलिटी शो खतरों कर लिया है, बिग बॉस का ऑफर आता है, तो आप जाना पसंद करेंगे? ऑफर्स तो आते हैं, पर सब ऑफर्स तो नहीं कर सकते लाइफ में, आप अपनी जर्नी आपकी चॉइसेस पे ही बेस्ड होती है, तो आपकी चॉइसेस कैसी हैं इवेंचुअली वही आपको लेके जाएंगी कि आप कैसे आर्टिस्ट बनते हो या रोल मॉडल बनते हो लोगों के लिए। तो बिग बॉस अभी मैंने कभी सोचा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, आया था ऑफर बट अभी तक सोचा नहीं मैंने, पर और रियलिटी शोज़ मैंने बहुत किए हैं रिद्धि, मैंने सिंगिंग रियलिटी शोज़ बहुत किए हैं, ये वाला टीवी रियलिटी शो एज खतरों के खिलाड़ी, दिस बिग शो, एडवेंचरस शो, ये दिस वाज वन ऑफ अ काइंड, तो ये पहली बार किया, इसको करके बहुत मज़ा आया, तो ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी जो मेरे को चैलेंजिंग लगेगी कि मैं जिसमें कुछ गेन कर पाऊँ, जिसमें कुछ सीख पाऊँ, बिकॉज आई एम अ लर्नर एंड आई बिलीव इन लर्निंग ऑल द टाइम, यू नो हमेशा मुझे सीखना है, तो उससे आपकी बहुत ग्रोथ होती है, एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट ग्रोइंग एवरी डे एंड इवॉल्विंग, सो आई थिंक अगर ऐसी कोई चुनौती आएगी, चैलेंज आएगा जिसमें मुझे अपने आप को चैलेंज करने का मौका मिलेगा एज एन आर्टिस्ट, एज एन ह्यूमन बींग, तो मैं एज अ ह्यूमन बींग मैं डेफिनेटली करूँगी, बट अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है कि और कोई रियलिटी शो मैं लूँ या ये करूँ, क्योंकि अभी मैं अपने एल्बम पर काम कर रही हूँ और अपना बहुत सारा म्यूज़िक आ रहा है, और डेफिनेटली एक्टिंग भी करना चाहेंगे हम जल्दी, और लेट्स सी, yeah you should keep working on yourself, right. And then opportunities come and then you do it, right. That's what happened with khatron ke khiladi, right. Khatron ke khiladi maine bachpan se socha to tha jab show dekhti thi ki yaar isme jaungi kyunki ye meri vibe wala show hai, but ho gaya wo, I am grateful to colors, to geo cinema, to all the people who are watching, to everybody and to god, and you know I'm blessed that way, grateful, but Man versus Wild शायद, या Survivor, you know, next क्या हो सकता है? Okay, so खतरों से आपको क्या लगता है कि कौन सबसे ज़्यादा मसाला देगा बिग बॉस में जाने के बाद? मसाला तो देखो कोई भी दे सकता है, क्योंकि बिग बॉस का घर ही ऐसा है, कुछ लोग कि वहाँ मसाला निकल जाता है, you know, मतलब जिस बंदे का I think जिस बंदे का ओपिनियन है लाइफ में, वो हमेशा ओपिनियन और उसको वो बाहर रखना पसंद करता है,
अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो अलग बात है, पर अगर आप अपना ओपिनियन बाहर रखना पसंद करते हो और वो गेम ही उस पर बेस्ड है कि आप क्या सोचते हो, माइंड गेम्स हैं, साइकोलॉजिकली आप साइकोलॉजी आपकी कितनी स्ट्रांग है, मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो, बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब अगर करना है वहाँ पे और लोग हैं तो मतलब काफ़ी हैं। अर्चना और शिव तो ऑलरेडी हुआ है, हाँ बाकी सब हैं, आई थिंक सब में पोटेंशियल है जाने का, सब में है क्योंकि मैंने क्लोजली सबको देखा है तो मुझे पता है कि सब में है। ओके, सो फैंस और व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगी, क्या कुछ अपकमिंग है, कहाँ पे नया देख सकते हैं, कुछ एक्टिंग में ट्राई कर रही हैं आप, वेब शो वगैरह? मैं काफ़ी कुछ ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं ट्राई करती रहती हूँ लाइफ में, एक्सपेरिमेंट करना और ट्राई करना, ट्रायल एंड एरर, उसी से इंसान सीखता है और ग्रो करता है, तो मैं वो तो करती रहती हूँ। बट मैं अभी अपनी एक हिप हॉप एल्बम पे काम कर रही हूँ जो कि बहुत ही क्रेजी होने वाली है क्योंकि उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मतलब आई बिलीव इन कोलैबोरेटिंग अ लॉट। मैं ये आपको बता नहीं सकती कि कौन कौन है क्योंकि सरप्राइज है, तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जिस देसी हिप हॉप के, हमारी इंडस्ट्री के, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। एंड खतरों के खिलाड़ी में बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अलग अलग कंट्रीज से लोग मैसेज कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं और विशेज दे रहे हैं, सो आई होप कि सब ऐसे ही बनाए रखें एंड बहुत मज़ा आने वाला है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, व्हाट लाइफ हैज़ फॉर मी नेक्स्ट, यू नो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।